वेलकम टू विभा स्वाद रसोई चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट विभा और आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी टिक्का फ्राइज। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है जिसे बच्चे और बड़े सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होंगी। सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी सूजी। इसके अलावा 1 कटोरी आलू लिए हैं हमने, जो हमने कद्दूकस करके रखा है। ये 4 मीडियम साइज के आलू हैं। इसके अलावा हमने लिया है 2 शिमला मिर्च, जो छोटे टुकड़ों में काटी है, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच बटर, 5-6 लहसुन की कलियां जो हमने कद्दूकस कर ली हैं, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा वो भी हमने ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा हमने नमक लिया है स्वाद के अनुसार और काली मिर्च छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च लिया है हमने। इसके अलावा ये पिज्जा सॉस हम इसमें यूज करेंगे और ये बाउल खाली हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये सूजी के रेशियो से ही पानी हम इसमें डालते हैं, तो हम इससे नाप के पानी डालेंगे। तो चलिए, और इसके अलावा हम एक मसाला भी लेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो हम बाद में बताएंगे क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये हमने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। जितनी हम सूजी लेते हैं उसका 4 गुना पानी हम इसमें डालते हैं। और पानी भी देखिए मैं उतना ही लूंगी जितनी हमारी बाउल सूजी से भरी हुई है, मैं पूरी भर के नहीं लूंगी कटोरी। ये देखिए हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसे हम फुल फ्लेम पे कर देते हैं गैस को और इस पानी को अच्छे से उबल जाने देते हैं। जो पानी उबल गया है हमारा, अब हम सूजी टिक्का फ्राइज के लिए बेस तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं ये शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये आलू ले हुए और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ग्रेट किए हुए आलू हैं तो आराम से पानी में घुल जाएंगे। इसके साथ ही हम ये जो मसाले लिए थे हमने, ये सारी चीजें नमक बटर लहसुन अदरक और काली मिर्च, ये सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चला देंगे। थोड़ा हम बटर को घुल जाने देंगे। ये अभी घुला नहीं है बटर, हम इसे घुल जाने देते हैं ठीक से। इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे करके सूजी ऐड करेंगे। और सूजी हमें एक बार में बिल्कुल नहीं डालनी है, हमें थोड़ी थोड़ी सूजी डालनी है इसमें, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ पड़ने ना पाए और पूरी सूजी एक सी मिक्स हो। ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी डालती जा रही हूँ, लगातार इसे चलाती जा रही हूँ। आपको ऐसे ही करना है, इसलिए मैं ये पूरा आपको दिखा रही हूँ करके, ये सूजी डालते जाना है और चलाते जाना है। और हाँ, इसमें हमें 2 चम्मच पिज्जा सॉस भी ऐड करना है। 2 बड़ा चम्मच पिज्जा सॉस हम ऐड करेंगे, इससे सूजी टिक्का फ्राइज का टेस्ट बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं। ये मैं सूजी डालती जा रही हूँ और चलाती जा रही हूँ बराबर। ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ा भी होता जा रहा है। मैंने पूरी सूजी डाल दी है इसमें। ये हम अच्छे से चला लेंगे, इसको चलाते जाएंगे जब तक ये सूजी अच्छे से पक नहीं जाती है। बस 4 से 5 मिनट में सूजी अच्छी तरह से पक जाएगी, हमें चलाते रहना है इसे। ये देखिए सूजी पकती जा रही है और ये ठीक होती जा रही है। ये आप आराम से बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या कोई पार्टी वगैरह अगर आप छोटी मोटी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन हम पहले से करके रख देते हैं और बाद में सिर्फ हमें इसको फ्राई करना होता है। तो ये बेस तैयार हो रहा है, सूजी अभी पक जाएगी, फिर हम इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे और फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। या आप चाहें अगर सुबह बच्चों को लंच में देना चाहते हैं तो इसे रात में तैयार करके रख लें और सुबह सिर्फ इसे फ्राई करना होगा। तो ये देखिए हमारी सूजी बस तैयार होने वाली है।
ये देखिए पूरी ठीक हो गई है, अच्छी तरह से सूजी फूल गई है। ये देखिए अच्छी तरह से ठीक हो गई है। इसे हम लगातार चलाते रहे हैं, तो अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके लिए प्लेट जो हम लेंगे उसमें हम नीचे पहले ऑयलिंग कर देंगे। ये मैंने ऑयलिंग की हुई है इस प्लेट में। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। ऑयलिंग इसलिए करना है जिससे सूजी उसमें चिपके नहीं, जब हम इसके पीसेज काटें तो ये आराम से निकल आए। ये मैं इसमें फैला देती हूँ। ये देखिए इसकी मोटी लेयर हमें फैलानी है, क्योंकि हम इसके पीसेज करके उनको फ्राई करेंगे। इसी से हमारे सूजी टिक्कर का बेस तैयार हो रहा है। ये अच्छे से फैला देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट करेंगे, जिससे टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर दिखते हैं ये टिक्काज। ये मैंने सूजी को फैला दिया है पूरे में, बराबर रखना है इसके लेयर को। देखिए इसकी थिकनेस ही काफी मोटा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे, ऊपर से पूरी एक लेयर डाल देंगे पनीर की। मैं ग्रेट कर रही हूँ इसमें। ये देखिए पूरे में बराबर से हम ये ग्रेट कर देंगे, और गरम सूजी में ही हमें इसे ग्रेट कर देना है। ये पूरा मैंने ग्रेट कर दिया है। देखिए पूरे में मैंने ऊपर से पनीर घिस दिया है। अब हम इसको ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए, या आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो निकाल कर इनको फ्राई कर लेंगे, इनके हम पीसेज करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ये आधा घंटा हो गया है, ये सूजी बिल्कुल ठंडी हो गई है अच्छे से। अब हम इसके पीसेज काट लेंगे और उन्हें फ्राई करेंगे। अब हम देखते हैं मसाले में हमें क्या क्या डालना है, जो मैंने बताया था पहले ही। तो इसमें हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, ये भुना हुआ जीरा लिया है, इसमें नमक मिक्स है थोड़ा सा, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक मिक्स करेंगे। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक मिलाया है इसमें, और ये काला नमक भी डाला है हमने थोड़ा सा। इसके अलावा ये पिज्जा मसाला मिक्स भी हमने इसमें डाला है। अगर ये नहीं है तो आप इसमें मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम ये नमक दानी में डाल लेंगे, जिससे ये डालने में आसानी हो। तो ये मैं भर लेती हूँ नमक दानी में। ये देखिए मैंने पूरा मसाला इकट्ठा करके उसमें डाल दिया है। इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और जब टिक्का फ्राइज तैयार हो जाएंगे तो ये नमक उस पे, ये मसाला उस पे हम डाल देंगे। तो हम गैस ऑन कर लेते हैं। इस पे तवा रख दिया है मैंने, और तवे में अब हम ऑयल डालेंगे। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना होता है, डीप फ्राई करने से उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम थोड़े ऑयल में। तो हमने 3-4 चम्मच ऑयल डाल दिया है तवे पे। अब जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम ये इसके पीसेज कर लेते हैं। बहुत छोटे पीसेज नहीं करने हैं हमें, स्क्वायर शेप के पीसेज बनाने हैं हमें। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने बड़े पीसेज आपको करने हैं। ये मैंने पूरा बीच से काट दिया है। ये सारे पीसेज हमारे तैयार हो गए हैं, और साथ ही हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक टिक्का लिया और ये ऑयल में रख दिया है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे, बिल्कुल धीमी आंच में सेकेंगे नीचे की तरफ से। ऊपर तो हम इनको थोड़ा ही सेकेंगे, नहीं तो हमारा पनीर जल सकता है। तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे, जिससे ये थोड़े क्रिस्पी भी हो जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से भुन जाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। इसे थोड़ी देर ऐसे ही हम धीमी आंच में पकने देंगे, बिल्कुल धीमी आंच में इनको पकाना है, बड़े ही पेशेंस के साथ में।
थोड़ी देर हो चुकी है, ये नीचे की साइड से हो गए, अब हम इनको पलट देते हैं, ये देखिए। और दूसरी साइड से हमें इनको ज्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये जो हमारा पनीर है ये जल जाएगा। तो हम दूसरी साइड से भी बिल्कुल धीमी आंच में ही सेकेंगे, पर थोड़ी ही देर सेकेंगे। ये मैंने सारे टिक्कास पलट दिए हैं, ये सूजी टिक्का फ्राई बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारे टिक्के सिक गए हैं, ये देखिए ये सिक गए हैं, अब ये खाने के लिए तैयार है। तो फिर देर किस बात की है, निकाल लेते हैं हम इनको प्लेट में और बाकी की जो टिक्काज है उनको हम बनने देते हैं। जैसे जैसे ये सिकते जाते हैं हम इनको साइड में करते जाते हैं, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल के बीच में आता जाए। ये टिक्काज मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मसाला ऊपर से हम उसमें डाल देंगे, पूरे में मैंने मसाला डाल दिया है, ये देखिए इस मसाले से इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और ऊपर से हम थोड़ा सा सॉस भी डालेंगे, जिससे इनकी खूबसूरती और टेस्ट दोनों बढ़ जाएं, और देखते ही हमारा खाने का मन करने लगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देख के ही। तो चलिए अब देर किस बात की है, शुरू करिए बनाना सूजी टिक्का फ्राइज। और फिर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे ये सूजी टिक्का फ्राइज। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। और हाँ, अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।